बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। 1 जून से होने वाले अनलॉक को लेकर कृषि उपज मंडी में प्रशासनिक अधिकारियों व नगर के वरिष्ठ जनों सहित व्यापारियों की हुई बैठक। पांचमल में जून माह में होने वाले अनलॉक को लेकर नगर के प्रमुख नागरिक वरिष्ठ जन व किराना व्यवसायी सहित छोटे बड़े दुकानदारों के साथ एसडीएम, तहसीलदार, सीएमओ व नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ अहम बैठक हुई। बैठक में ठेला गाड़ी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले दुकानदारों पर विशेष चर्चा हुई। सीएमओ ने गाइडलाइंस के अनुसार नगर की सभी दुकानों पर बाहर ऑयल पेंट से गोले बनाने व गाइडलाइंस के पालन के साथ सभी दुकानदारों को एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा सुझाव मांगे गए। कोरोना कर्फ्यू को थोड़ी ढील देने के लिए गवर्नमेंट ने सुझाव मांगे हैं और उस सुझाव के लिए हमने सभी व्यापारी संघ बैठक बुलाई थी, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं जो शासन को भेजे। समय तो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी और कौन कौन सी दुकानों को छूट देना ये भी गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की भेंट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आदिवासी कर्मचारी संगठन के प्रगतिशील शिक्षक एवं कर्मचारियों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामूहिक रूप से राशि एकत्रित कर कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खरीद कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट की। आज जो ऑक्सीजन मशीन वितरण की गई है उसको लेकर पिछले 1 महीने से ये चल रहा था और लॉकडाउन के कारण जो है उनको हम समय पे उपलब्ध नहीं करा पाए थे और जो है आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन और हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने जो है ये जो चंदा करके ये मशीन जो है लाई है और अस्पताल को जो है पांचमल अस्पताल को जो है दान स्वरूप। 50 लीटर जहरीली शराब के साथ एक गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल भी जब्त। शुक्रवार दोपहर को सिलौत पुलिस ने 50 लीटर जहरीली शराब जब्त करने के साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया है। सिलौत थाना प्रभारी विजय रावत के अनुसार बेहड़ा का रहने वाला आरोपी किताब सिंह पिता टिकड़िया बारेला मोटरसाइकिल के पीछे केन में 1-1 लीटर के 50 पाउच में जहरीली शराब स्पीड लेकर जा रहा था, जिसे होलगांव फाटे के पास से पुलिस की टीम ने पकड़ा। जहरीली शराब की कीमत लगभग 8,000 रुपये बताई जा रही है। धौली में हुई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। धौली में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरला तहसीलदार जगदीश रंधावा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कीर्ता वड़वी, भाजपा के नेता गोलू कनाड़े, हीरालाल यादव, चेतन ठाकुर, ग्राम पंचायत के बबलू चौहान एवं ग्रामवासी मौजूद रहे। बड़वानी जिले के विकासखंड ठिकरी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर्स द्वारा इन दिनों कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम मंडवाड़ा की सेवा बस्तियों में जाकर कोरोना वॉलंटियर्स के द्वारा लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए सावधानियों के बारे में समझाइश देने के साथ साथ कोई भी स्वास्थ्य समस्या होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने तलवार डैम में क्राइसिस समिति के लिए बैठक। तलवार डैम में क्राइसिस समिति की बैठक शुक्रवार को की गई। बैठक में शिरकत करने पहुंचे पूर्व सांसद सुभाष पटेल ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में क्राइसिस कमेटी निर्धारित की गई है। इस कमेटी के साथ बैठक कर कोरोना काल में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना हमारा उद्देश्य है। वहीं वैक्सीनेशन पर भी बताते नजर आए कि अंजर, राजपुर व ठिकरी में टीकाकरण किया जा रहा है। हम यह मांग रखेंगे और यह प्रयास करेंगे कि तलवार डैम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी टीकाकरण शुरू किया जाए। लग करने के पहले हुई तैयारियां शुरू। अंजर रोको टोको अभियान के तहत तहसीलदार भागीरथ पागला ने अपने दल बल के साथ लोगों को मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करने की समझाइश भी दी। वहीं बिना मास्क लगाए बाजार में आए लोगों, दुकानदारों से जुर्माना वसूला तो वहीं बस स्टैंड पर आरटीपीसीआर सैंपल भी लिए गए। तहसीलदार वाखला ने बैठक के दौरान आगामी समय में बाजार खोलने की तैयारियों को लेकर की गई बैठक में नगर के दुकानदारों को खुद भी मास्क लगाने और ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं अब अनलॉक करने की प्रक्रिया के तहत विभिन्न दुकानों के बाहर फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर गोल घेरे नगर परिषद के कर्मचारियों से शुक्रवार को बनवाए। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। अचानक मौसम ने ली करवट। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर शाम को भीषण बारिश हुई। तेज आंधी तूफान के साथ हुई काफी देर बारिश। बारिश इतनी तेज थी कि जो जहां था वहीं थम गया। यास तूफान के असर के चलते हुई अचानक बारिश ने छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोगों की बढ़ाई मुसीबत।